ही होनहार लड़का रहता था। उसका नाम था दीपू। दीपू ना सिर्फ पढ़ाई में अव्वल था बल्कि वो चित्र बनाने में भी बड़ा ही माहिर था। दीपू के माँ बाप बड़े ही गरीब थे। वो बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते थे। दीपू स्कूल से आने के बाद चित्रकारी करता था। पैसे ना होने के कारण वो चित्रकारी के लिए पेंसिल और कागज नहीं खरीद पाता था। वो लकड़ी से जमीन और रेत पर एक एक चित्र बनाता था। कभी वो फल बनाता था तो कभी फूल। कई बार तो वो इतनी सुंदर आकृतियां बनाता था कि देखने वाले दंग रह जाते थे। दीपू हमेशा सोचता था, काश मेरे पास एक पेंसिल और कुछ कागज होते तो मैं और सुंदर चित्रकारी बनाता और मेरे उन चित्रों को घर की दीवार पे सजाता। तभी वहाँ एक बूढ़े साधु प्रकट हुए और दीपू से बोले, दीपू बेटे, तुम बहुत ही होनहार और नेक दिल हो, इसी वजह से मैं तुम्हें एक पेंसिल देना चाहता हूँ। सच? ये सुनकर दीपू बड़ा खुश हुआ। किंतु ध्यान रहे, इस पेंसिल का उपयोग सिर्फ गरीब लोगों के हित के लिए ही करना बेटे, ठीक है? जी जी साधु महाराज, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें साधु महाराज वहाँ से गायब हो गए। दीपू ने पास के पड़े एक कागज पर एक डायरी बनाई। देखते ही देखते वो एक असली डायरी बन गई। ये देखकर दीपू को बड़ी हैरानी हुई। उसने वो डायरी खोली और उसके एक पन्ने पे आम बनाया। फिर क्या था, वो एक असली का आम बन गया। ये देखकर दीपू बड़ा खुश हुआ और बोला, अरे वाह, ये तो जादुई पेंसिल है। ओ साधु महाराज, मैं आपको बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ। फिर दीपू ने उससे अपने लिए कई सारी चीजें बनाई, केक, कपड़े, जूते और पुस्तकें। वो उस पेंसिल को लेकर घर गया और अपने गरीब माँ बाप के लिए भी खूब सारे कपड़े, भोजन और जरूरत के लिए सभी सामान बनाए। उसके बाद वो सकुशल अपने गांव में गया और गरीबों को उनकी जरूरत के सामान बनाकर देने लगा, किसी को लकड़ी की गाड़ी तो किसी को घर। दीपू की इस दरिया दिली की वजह से गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन राजा के सिपाहियों को दीपू की जादुई पेंसिल के बारे में पता चला और उन्होंने राजा को ये बात बता दी। राजा ने सिपाहियों को दीपू को राजमहल में लेके आने के लिए कहा। जब दीपू राजमहल पहुंचा तो राजा ने दीपू से कहा, सुनो लड़के, आओ चलो जल्दी से मेरे लिए एक सोने का पेड़ बनाओ और उसके बाद ये पेंसिल मेरे हवाले कर दो। नहीं महाराज, आप गरीब नहीं है, आपके पास खूब सारा धन, जवाहरात और सभी साधन है। मैं इस पेंसिल से सिर्फ गरीबों की सहायता करता हूँ, आपकी नहीं। ये सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और वो बोला, मंत्री, इस लड़के से ये पेंसिल छीन लो, नहीं, और मेरे लिए एक सोने का पेड़ बनाओ। मंत्री ने दीपू से पेंसिल ले ली और चित्र बनाया, किंतु सोने का कोई पेड़ नहीं आया। ये देखकर राजा बहुत क्रोधित हो गया और बोला, सुनो लड़के, अगर तुमने मेरे लिए सोने का पेड़ नहीं बनाया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को कारागार में डाल दूंगा। राजा की ये बात से दीपू डर गया और उसे एक उपाय सूझा। उसने एक कागज पे जल्दी से साधु महाराज का चित्र बना दिया। अचानक साधु महाराज प्रकट हो गए और बोले, हे राजन, सच कहूं तो आपके पास दुनिया का हर सुख है, किंतु आपका लालच फिर भी खत्म नहीं हुआ है। ये बात पेंसिल को पता चल गई थी और इसी कारण पेंसिल ने असली सोने का पेड़ बनाने में आपकी कोई मदद नहीं की। आप इस बात को समझने का प्रयास करें और दीपू से ये पेंसिल ना छीने। दीपू को इसका प्रयोग करके गरीबों की मदद करने दें। अगर किसी दिन आपको पेंसिल की सच में जरूरत पड़ी तो दीपू अवश्य आपकी सहायता करेगा। राजा को साधु की बात समझ आ गई थी। उसने साधु महाराज से माफी मांगी और दीपू का आदर सत्कार करके उसे घर वापस भेज दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए।